विवेक ओबेरॉय ने 15 साल बाद सलमान खान को लेकर की बात बताई करियर बर्बाद करने की सच्चाई। विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में विवेक देश के प्रधानमंत्री का रोल निभा रहे हैं। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होगी। विवेक जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। एक प्रमोशनल इवेंट में विवेक ने अपने करियर में आए उतार चढ़ाव को लेकर बात की। खबर थी कि ऐश्वर्या राय की वजह से सलमान खान ने विवेक के करियर को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि सलमान ने कभी खुद इस बात को नहीं कबूला। खबरों की माने तो सलमान और विवेक के बीच विवाद होने के बाद कई डायरेक्टर्स ने उनसे अपनी फिल्म ले ली थी। साल 2004 से विवेक अपने करियर में कुछ खास फिल्में नहीं कर पाए। अब पहली बार विवेक ने अपने करियर को लेकर बात की। उन्होंने टीओआई को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके करियर में साल 2004 से कई रुकावटें आईं, लेकिन सच ये है कि आज भी मैं यहीं हूं और कभी टूटा नहीं। मैंने अपने करियर में 6 भाषाओं में काम किया है। मुझे करीब 20 अवार्ड मिले हैं। मैं आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। मैं चूहों की दौड़ में भागने वाला इंसान नहीं हूं। मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख रहा हूं। मैं उनके साथ समय बिताता हूं। एक्टिंग करने में मुझे मजा आता है, लेकिन मैं गार्डन में अपने बेटे के साथ फुटबॉल भी खेलता हूँ। अपनी बेटी की गुड़िया के घर में लाइटिंग करता हूँ।